नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। आज मैं आपके साथ कॉर्न चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खाने में ये बहुत ही तीखी, मीठी और चटपटी होती है। बनाने में बहुत ही आसान, विटामिन से भरपूर ये चाट अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉर्न चाट बनाना। कॉर्न चाट बनाने के लिए पहले हम लेंगे भुट्टे, अमेरिकन भुट्टे। गर्म पानी में हम डालेंगे एक चम्मच नमक और जो भुट्टे हैं वो एक के बाद एक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दो भुट्टे लिए हैं। अमेरिकन कॉर्न आते हैं वो खाने में एकदम मीठे और सॉफ्ट होते हैं, तो इसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो देसी भुट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने इसी का यूज़ किया है। 10 मिनट बाद हमारे जो भुट्टे हैं वो बॉयल हो जाएंगे, तब तक हम इसके लिए चाट के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच आमचूर लिया है, उसमें पानी डालकर उसकी गुठलियों को हटा दिया है और अब हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी वैसे वैसे ये चटनी गाढ़ी होती जाएगी आमचूर के कारण। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल चिली पाउडर जिससे कि इसका कलर एकदम लाल बढ़िया हो जाएगा और थोड़ा तीखापन भी इसमें आ जाएगा। अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच देसी गुड़। इसको मिला लेंगे बहुत अच्छी तरह से और हमारा जो चटनी का कलर है वो धीरे धीरे एकदम गाढ़ा लाल होने लगेगा। गुड़ भी इसके साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा। धीरे धीरे देखिए कलर आने लगा है, थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से जिससे कि गुड़ है वो अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स हो जाए। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। खट्टी, मीठी, तीखी चाट के लिए चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। भुट्टे भी अब बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे और उसके दाने निकाल लेंगे। भुट्टे के दाने को हमने निकाल लिया है अच्छी तरह से, अभी ठंडे हो चुके हैं। एक बाउल में इसे रख देंगे। कॉर्न चाट खाने में एकदम टेस्टी होती है, तो घर पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे कॉर्न सलाद भी कहा जा सकता है। तो हम जो भुट्टे के दाने हैं कॉर्न है हम एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे येलो कैप्सिकम डालेंगे, फिर डालेंगे लाल कैप्सिकम, थोड़ा सा कटा हुआ हम इसमें खीरा ऐड कर देंगे। कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, 1 कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे और हमने जो चाट के लिए चटनी बनाई थी तीखी मीठी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और हमारी चाट बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा नींबू ऐड करने से इसको मिलेगा फ्रेशनेस फ्लेवर और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके हमारी चाट तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे प्लेटिंग के लिए तैयार करते हैं। रंग बिरंगी दिखने वाली ये चाट आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। विटामिन से भरपूर हमारी चाट बनके तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।